नमस्कार, नेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव। यहां दोस्तों, दिल्ली सरकार भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी सजग है और इसके लिए यहां के राजेंद्र नगर के विधायक राघव चड्ढा ने वैक्सीनेशन के लिए विल्स का उद्घाटन किया, लोहा मंडी में किया है और अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जाकर घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधायक राघव चड्ढा ने लोहा मंडी में रहने वाले मजदूरों के घरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस ड्राइव में हर दिन 150 लोगों को बिना अपॉइंटमेंट वैक्सीन लगाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल सरकार का लक्ष्य है कि कतार में खड़े आखिरी शख्स तक भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच पहुंचे। लोग स्मार्टफोन न होने के कारण अपॉइंटमेंट लेकर नजदीकी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए केजरीवाल सरकार ने इस खास वैन का प्रबंध किया है। विधायक राघव चड्ढा ने लोहा मंडी में रहने वाले मजदूरों के घरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। स्मार्टफोन न होने और जागरूकता के अभाव में लोहा मंडी में रहने वाले कई मजदूरों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी। कुछ मजदूरों ने इस बात की जानकारी क्षेत्र के विधायक राघव चड्ढा को दी, जिन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी से बात कर स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव का प्रबंध करवाया। 3 सितंबर से शुरू हुई इस ड्राइव में हर दिन 150 लोगों को बिना अपॉइंटमेंट वैक्सीन लगवाई जाती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए ड्राइव को लेकर लोगों में एक भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की खासियत यह है कि यहाँ आने वाले हर शख्स का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद उसे वैक्सीन लगाई जाती है। बस के अंदर ही एक शानदार वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है। हर समय डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ सक्षम है। वर्तमान में वैन लोहा मंडी वाई ब्लॉक में स्थित है। लोहा मंडी के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है। विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल सरकार का लक्ष्य है कि कतार में खड़े आखिरी शख्स को भी वैक्सीन की सुरक्षा कवच पहुंचे। दिल्ली सरकार ने कई सरकारी स्कूलों में पहले से ही निशुल्क वैक्सीनेशन कैंप लगवाए हैं। मेरे क्षेत्र लोहा मंडी में कुछ मजदूर भाई बहनों की वैक्सीन लगवाने को लेकर एक हिचक थी। कई लोग स्मार्टफोन न होने पर छुट्टी न मिलने के कारण अपॉइंटमेंट लेकर नजदीकी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए केजरीवाल सरकार के नई दिल्ली जिला प्रशासन ने हमारे इलाके में इस खास वैन का प्रबंध किया। वैक्सीनेशन अब लोगों के घर तक पहुंच चुकी है। हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों से घरों से निकलकर वैक्सीनेशन लगाने की अपील कर रहे हैं इस मुहिम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर क्षेत्र की जनता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, उसी प्रकार दिल्ली सरकार हर घर में बड़े लोगों को वैक्सीनेशन लगे ताकि तीसरी लहर से बचे रहे और इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसीलिए विल्स के उद्घाटन किया गया है विधायक राघव चड्ढा द्वारा। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे खबरें लगातार लेकर आएंगे। नमस्कार।